हेलो एवरीवन, आज को जानेंगे आप लोग जो इंस्टाग्राम में प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन कैसे ला सकते हैं। अगर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा और किस तरीके से आप लोग जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन लाएंगे, तो अगर आप लोग जो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन लाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना है, ठीक है। और इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करके बाद यहाँ पर आपको नीचे प्रोफाइल का आइकन दिखेगा, आपको प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको थ्री डॉट दिखेगा, यहाँ पर आप लोगों को थ्री डॉट पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आप लोगों को सेटिंग पर क्लिक करना, सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर थोड़ा आप लोग जो है स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे एंड यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। सिंपली आप लोग जो है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना, कंटिन्यू पर क्लिक करना एंड फिर से आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना और दोबारा से आप लोगों को कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। एंड यहाँ पर आपके सामने जो है कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को जो है कैटेगरी सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर सिंपली आप लोगों को डन कर देना है एंड यहाँ पर सिंपली आप लोगों को ओके कर देना है, ठीक। अब यहाँ पर दोनों में से आप लोग जो कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्रिएटर को सिलेक्ट किया, इस तरीके से आप लोग भी जो क्रिएटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर सिंपली आप लोगों को नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्रमोशन ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑन रहेगा तो आपको इसको ऑफ कर देना, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो आपका जीमेल आईडी होगा, ठीक है, वो आपके आईडी पर शो नहीं करेगा। एंड यहाँ पर सिंपली आप लोगों को नेक्स्ट कर देना एंड यहाँ पर सिंपली आप लोगों को कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा। और अगर आपने इंस्टाग्राम अकाउंट को फेसबुक से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आप लोग कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका अकाउंट होगा फेसबुक का वो यहाँ पर आ जाएगा। एंड यहाँ पर सिंपली आप लोगों को कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, आप लोगों को ऐड पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप लोगों को बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को रिफ्रेश करना है एंड यहाँ पर देख सकते हैं आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन ला सकते हैं।